दोस्तों, आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक अमीर और रईस लोगों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे अय्याश आदमी है। इस शख्स की अय्याशी का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शख्स दिन के हर समय दर्जनों हॉट लड़कियों से घिरा रहता है। इसके घर में 2400 घंटे पार्टी का दौर चलता है। आलीशान बंगले के साथ साथ इसके पास कई लग्जूरियस गाड़ियां भी हैं। इतना ही नहीं, इसके पास अपना प्राइवेट जेट और एक लग्जरी यार्ड भी है। जो लोग इस शख्स को नहीं पहचानते उनको बता दें कि हम बात कर रहे हैं डैन बिल्जेरियन की। कौन है ये कमाल का शख्स और क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप में से अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से, है ना? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स पोकर में लाखों डॉलर जीत चुका है। उसी पैसे से डैन ने इतनी लग्जूरियस लाइफ जीना शुरू किया और जब दुनिया ने डैन की अय्याशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी तो वो इनकी सुपर रिच लग्जरी लाइफ से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। डैन बिल्जेरियन को इंस्टाग्राम पर करीब करीब 3 करोड़ लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए उन्हें इंस्टाग्राम किंग भी कहा जाता है। 7 दिसंबर 1980 को फ्लोरिडा में जन्मे डैन बिल्जेरियन का बचपन रईसी में ही बीता था। उनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। बचपन में डैन जिस 11 कमरों के घर में रहा करते थे उसके अंदर ही स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट और वाटर स्लाइड जैसी सारी लग्जूरियस सुविधाएं मौजूद थी और वो बचपन से ही लग्जूरियस लाइफ जीने के आदि हो चुके थे। डैन के पास बचपन से ही वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, लेकिन उसे अपने माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान डैन ने कहा कि बचपन में उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो इतने मनमौजी किस्म के हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात आती है डैन के भी बुरे दिन आए। डैन जब कुछ बड़े हुए तो उनके पिता टैक्स फ्रॉड के जुर्म में जेल चले गए और सब कुछ बिखर सा गया। डैन के पिता बिजनेसमैन से पहले एक फौजी हुआ करते थे और वह वियतनाम युद्ध में भी शामिल हुए थे, इसीलिए उनके घर में युद्ध में इस्तेमाल हुई कई बंदूकें भी थी। पिता के जेल जाने के बाद एक रोज डैन स्कूल में पिता की बंदूक सभी को दिखाने के लिए ले गए। फिर क्या था, स्कूल प्रशासन ने डैन को स्कूल और शहर दोनों ही जगहों से बाहर कर दिया। इस घटना के बाद डैन वहां से दूर निकल गए। फिर उन्होंने अपने पिता की ही तरह सेना में जाने की सोची और ऐसा माना जाता है कि डैन सेना में सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन रिक्रूट होने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें किसी कारणवश वहां से निकाल दिया गया। सेना से निकाले जाने के बाद डैन एक बार फिर एक नई मंजिल की खोज में निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना कॉलेज लाइफ का भी मजा लिया जाए। यही सोचकर उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन भी लिया और दोस्तों, यही वो जगह थी यहाँ डैन को पोकर गेम के बारे में पता चला। दोस्तों, आपको बता दूं कि ताश के पत्तों की ये गेम जुआ खेलने वालों में बहुत पॉपुलर है। फिर क्या था, डैन को पैसा कमाने का ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने इसमें अपनी किस्मत को आजमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और ऐसा माना जाता है कि पोकर खेलते खेलते वो अपना सारा पैसा हार गए। फिर क्या, उन्होंने अपनी पसंदीदा बंदूकों की कलेक्शन को महज $750 में बेच दिया। बंदूक की कलेक्शन को बेचने से मिले पैसों से डैन ने एक बार फिर पोकर खेलना शुरू किया और इस बार किस्मत भी पलटी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डैन ने एक ही दिन में उन $750 से $10,000 जीत लिए। फिर $10,000 जीतने के बाद और बड़े लेवल पर पोकर खेलने के लिए अगले ही दिन वो पहली ही फ्लाइट से लॉस वेगास के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि वहां उन्होंने एक ही रात में महज $10,000 से करीब $1,87,000 कमा लिए। फिर 2009 से डैन ने अपना पूरा टाइम पोकर पर ही फोकस किया। उसने पोकर की वर्ल्ड सीरीज में भी हिस्सा लिया जहां उसकी 180वीं रैंक आई। इसी कड़ी में डैन सितंबर 2019 में पोकर के एक गेम में भाग लेने गोवा इंडिया भी आए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि गोवा में 11 से 15 सितंबर 2019 तक इंडियन पोकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसी इवेंट में शामिल होने के लिए डैन गोवा आए थे, लेकिन पूरे इवेंट के दौरान सभी पोकर से ज्यादा डैन के बारे में ही बातें कर रहे थे। इस इवेंट में सबसे ज्यादा सुर्खियां तो उनके हाथ पर सजी घड़ी ने बटोरी। डैन ने जो घड़ी पहनी थी उसका नाम रिचर्ड मिली RM1103 है और उस घड़ी की बाजार में कीमत $1,91,500 है, यानी कि 1,36,00,000 रुपए। ये आदमी कितना रईस है आप सोच भी नहीं सकते। डैन ने 2017 में अपना एक कैनबिस प्रोडक्ट्स का ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका नाम इग्नाइट है। इग्नाइट के ब्रांड नेम के नीचे डैन मैरिजुआना के बीजों से लेकर रिक्रिएशनल मैरिजुआना तक प्रोडक्ट्स बेचते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में डैन की नेटवर्थ 150 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 1000 करोड़ रुपए है। अपनी दौलत को डैन खर्च भी अलग ही अंदाज में करते हैं। माना जाता है कि 2013 में डैन ने एक ही रात में पोकर खेलकर करीब 11 मिलियन डॉलर कमाए थे और उसके बाद वो रिलैक्स करने के लिए सीधा मेक्सिको निकल गए। अपनी इस कमाई से डैन ने हॉलीवुड हिल्स में एक आलिशान बंगला खरीद रखा है और वो वहीं रहते हैं। हॉलीवुड हिल्स में हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रहते हैं और डैन भी उन्हीं के बीच रहते हैं। इसके अलावा डैन ने अपनी लग्जूरियस लाइफ के कारण सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड होने वाली फोटो से ये साफ पता चलता है कि वह कैसे एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। डैन अपनी ज्यादातर फोटोज में किसी न किसी लड़की के साथ ही दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो दर्जनों लड़कियों के साथ अकेले नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कई बार डैन ने पैसों की दर्जनों गड्डियों के साथ भी अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं। हमेशा लड़कियों के साथ घूमने के कारण डैन का नाम कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में आता रहता है, लेकिन डैन इन बातों की परवाह नहीं करते। डैन के इंस्टा अकाउंट पर उनकी बंदूकों के कलेक्शन और महंगी लग्जरी गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे डैन एक बेहद इमोशनल इंसान है जो अपने दोस्तों और करीबियों का बहुत ख्याल रखते हैं। डैन आज पोकर गेम के एक प्रोफेशनल प्लेयर है। इसके अलावा वो बेहतरीन स्टंटमैन एक्टर भी हैं और अदर वुमेन, द इक्वलाइजर और कैटरन 2 जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अपीयरेंस दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब डैन गोवा आए थे तब उन्होंने बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान के साथ भी एक फिल्म साइन की थी जो 2021 में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको डैन बिल्जेरियन पर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत